रहमान इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने क्या पढ़ा था, सब क्लास सारकोफ्रिजी के बारे में। आज हमने पढ़ना है सब क्लास एक्टिनोफ्रिजी। हम थोड़ा सा इसका प्रीवियस अगर देखें तो हम लोगों ने एग्नेथा को पहले स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने गनेथोस्टोमेटा को हम स्टडी कर रहे थे। और गनेथोस्टोमेटा के अंदर हमने दो क्लासेस देखी, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज और क्लास ऑस्टिक्थीज। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज को हमने पढ़ लिया है, क्लास ऑस्टिक्थीज को हमने स्टार्ट किया हुआ था, यानी कि इसमें हमारे पास वो फिशेज आ रही थी जिनके क्या है, बोनी स्केलेटन है। ऑस्टिक मतलब ऑस्टियस, इक्थियस का मतलब होता है हमारे पास फिशेज, वो फिशेज जिनका क्या है, बोनी स्केलेटन है, ठीक है। तो क्लास ऑस्टिक्थीज में फर्दर हमारे पास दो सब क्लासेस थी, सब क्लास सारकोप्टेरिजी, सब क्लास एक्टिनोफ्रिजी। सब क्लास सारकोप्टेरिजी हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और आज जो हमने स्टडी करना है, जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, सब क्लास एक्टिनोफ्रिजी पे। तो स्टूडेंट्स, हम सब क्लास एक्टिनोफ्रिजी से स्टार्ट लेते हैं अपना। सब क्लास एक्टिनोफ्रिजी को अगर हम देखें तो एक्टिस का मतलब होता है रेज और टेरेक्स का मतलब होता है फिन, ठीक है। ऐसी फिशेज जिनके अंदर, जिनके क्या होते हैं, रे फिन फिशेज होते हैं, मतलब कि उनके जो फिश हैं वो रेस की तरह के होते हैं। अगर आप इन फिशेज के फिन्स देखें, ठीक है, इस तरह से अगर हम कहें कि ये एक फिश का फिन है तो उसमें से ऐसे रेज निकल रही होंगी जैसे श्वाएं, ठीक है। तो इनके फिन्स जो हैं वो क्या हैं, आपको ऐसे लगेगा जैसे उसमें से रेज निकल रही हैं, तो इसीलिए इन फिशेज को हम क्या कहते हैं, रे फिन फिशेज। अब स्टूडेंट्स, एक्टिनोफ्रिजी जो है हमारे पास, इसको हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास इसकी दो इन्फ्रा क्लासेस हैं। पहली जो इन्फ्रा क्लास है वो है हमारे पास क्लास कॉन्ड्रोस्टेशियंस, और दूसरी हमारे पास है एक्टिनोफ्रिजियंस, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस को स्टूडेंट्स हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इन्फ्रा क्लास कॉन्ड्रोस्टेशियंस से। इन्फ्रा क्लास कॉन्ड्रोस्टेशियन की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है, इसमें पेयर्ड फिन्स होते हैं, और ये पेयर्ड फिन्स जो हैं वो क्या है कि उनको सपोर्ट कर रही होती हैं डर्मल रेज। डर्मल का मतलब होता है स्किन, यानी कि इनकी स्किन पे क्या होती हैं, रेज होती हैं। स्टूडेंट्स, इनका जो बेसल पोर्शन है, इनके फिन का जो बेसल पोर्शन है वो मस्कुलर नहीं होता, ठीक है, वो क्या होता है, नॉन मस्कुलर होता है। तो वो मस्कुलर नहीं होता, यानी कि वो क्या है कि मसल मस्कुलर नहीं है, तो इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते इनके, ठीक है, फिन्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इनमें ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक होते हैं, मतलब इनकी जो स्मेल की जो इनकी हिस है, ठीक है, वो जहाँ से इन्होंने क्या करना है, जिसमें इनके स्मेल के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, वो क्या है, ब्लाइंड है, मतलब कि वो माउथ में इनकी जो ऑल्फैक्टरी सैक है वो माउथ में ओपन नहीं हो रही, जैसे हमारी ऑल्फैक्टरी सैक हमारे माउथ में ओपन होती है, ब्लाइंड नहीं है। हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं वो क्या है, हमारी नॉस्ट्रल कैविटी जो है, नोज कैविटी, ठीक है, वो कहाँ है, हमारे बकल कैविटी में ओपन हो रही है पीछे से जाके, ठीक है, या यूं कह लें कि फेरिंग्स में। तो इसी तरह से इनकी क्या है, ब्लाइंड ऑल्फैक्टरी सैक है। स्टूडेंट्स, इनके जो टेल हैं वो क्या है, होमो सर्कल टेल है इनके पास। होमो सर्कल टेल का मतलब होता है बच्चे ऐसा टेल, ठीक है, मतलब कि ऐसी टेल जिस पे क्या हो कि जिसका डॉर्सल एंड यूँ कह लें कि वेंट्रल, वो जो फिन है वो इक्वल हो, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे आपके पास ये एक फिश है, तो हम कहते हैं कि ये जो इसका टेल होगा ये, ठीक है, अगर ये डॉर्सल और इक्वल दोनों साइड से बराबर है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, होमो सर्कल टेल होगा। पर अगर इसके टेल की एक साइड बड़ी हो और एक साइड छोटी हो, ठीक है, तो हमें इसे क्या कहेंगे, हेटरो सर्कल टेल। तो क्या है कि कॉडल फिन की अगर डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों बराबर हो, ठीक है, इक्वल हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, होमो सर्कल टेल। ये टेल ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है होमो सर्कल टेल, यहाँ पे दरमियान में आपको कर्व ही मिले, ऐसे भी हो सकता है ये टेल, ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या हो, रेज हो, तो ये क्या होगा, होमो सर्कल टेल होगा। और अगर इनमें से एक साइड बड़ी हो और एक साइड छोटी हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, हेटरो सर्कल टेल। बच्चे, इनके अंदर क्या होता है, स्विम ब्लेडर होता है। स्विम ब्लेडर आपको पता है कि एक गैस फिल्ड सैक होती है, ठीक है, जो कि कहाँ पे मौजूद होती है बच्चे, ये डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की डॉर्सल वॉल के साथ ये प्रेजेंट होती है, और इसका काम होता है फिशेज को बायोन्सी प्रोवाइड करना, ठीक है। फिशेज जो आपको स्विम करती हुई नज़र आ रही है, उसको यानी कि बायोन्सी देता है हमारे पास कौन, स्विम ब्लेडर।
स्विम ब्लैडर की वजह से फिशेस काफ़ी देर पानी के अंदर रह सकती हैं बगैर सांस लिए। उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है कि हम ये जो हमारे पास इन्फ्रा क्लास है, ठीक है, इन्फ्रा क्लास की हमने करेक्टरिस्टिक्स देखनी है, इन्फ्रा क्लास कॉन्ड्रोस्टिशियंस, ये जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं बच्चे, ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास थी सब क्लास एक्टिनोट्रीची की, यानी कि ये हमारे पास जर्नल करेक्टर थे। अब हमने इन्फ्रा क्लासेस पढ़नी है। सबसे पहली इन्फ्रा क्लास हमारे पास है इन्फ्रा क्लास कॉन्ड्रोस्टिशियन। इन्फ्रा क्लास कॉन्ड्रोस्टिशियन की बात करें तो बच्चे इनके जो मेम्बर्स हैं, इनकी जो स्पीशीज़ हैं, वो हमें परमियन, ट्राइएसिक एंड ज्यूरेसिक पीरियड में भी मिलती हैं, ठीक है बच्चे। इनकी अब इस वक्त जो है ना, सिर्फ जो स्पीशीज बच गई हैं वो कितनी है, 25 है। ये हमारे पास 25 रिमेनिंग स्पीशीज हैं बच्चे। इनके इंसेस्टर्स को अगर हम देखें परमियन पीरियड में, ट्राइएसिक और जूरेसिक पीरियड में, तो इनके जो इंसेस्टर हैं वो हमें क्या मिलते हैं, उनके अंदर हमें बोनी स्केलेटन मिलता है, जबकि जो डिसेंडेंट हैं इनके, जो आज की फिशेज हैं, उनका जो स्केलेटन है बच्चे, हम कहते हैं उनमें से हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं, वो किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। हालांकि हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑस्टिक थीज हैं, बोनी फिशेज हैं, पर आज की जो फिशेज हैं उनमें हमें कार्टिलेज भी नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे इनके जो टेल है, ठीक है, इनके टेल पे क्या होता है, लार्ज अपर लोब होता है, मतलब कि इनका जो अगर हम देखें टेल, ठीक है, तो वो क्या है कि वो होमोसर्कल नहीं है, यूँ कह लें कि वो हेट्रो सर्कल है, ठीक है। उसका जो एक लोब है ऊपर वाला लोब, ठीक है, ये वाला लोब जो है डॉर्सल वाला, ये क्या है, बड़ा है, और ये नीचे वाला वेंट्रल वाला क्या है, छोटा है, ठीक है। यानी कि कॉन्ड्रोस्टिशियंस के अंदर क्या है, हेट्रो सर्कल टेल है। कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी बच्चे, एनिमल डाइवर्सिटी जब हम पढ़ते हैं ना, तो आपको एक्सेप्शंस हर जगह पे मिलेंगी, आपको एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। हम क्या करते हैं, हम एक करेक्टर को जब डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो करेक्टर हमारे पास उस एनिमल में, यानी कि उस फाइलम के अंदर मौजूद एनिमल्स में मोस्टली पाया जाता है, पर कोई ना कोई एक एक्सेप्शन निकल आती है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आपके पास हमेशा रहेंगी जब आप साइंस को स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चे हमने इस इंफ्रा क्लास कॉन्ड्रोस्टिशियन के अब हम मेंबर्स को स्टडी करने लगे हैं। वो मेंबर्स हमारे पास कौन से हैं, स्टर्जन और पैडल फिश। स्टर्जन की अगर हम बात करें तो बच्चे स्टर्जन आपको मोस्टली सी के अंदर मिलती है, पर कुछ इसके मेंबर्स आपको फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। देखें एक्सेप्शंस हो गई कि मोस्टली सी में है, पर इसके कुछ मेंबर्स आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। अब बच्चे स्टर्जन के वो मेंबर्स जो कि क्या है, मैरीन वाटर में रह रहे हैं, उन्होंने जब ब्रीडिंग करनी होती है तो वो क्या करती हैं, वो फिशेज सी से, मैरीन वाटर से ट्रेवल करती हैं फ्रेश वाटर की तरफ। तो ऐसी फिशेज जो ब्रीडिंग के लिए मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आए, उन्हें हम कहते हैं एनाड्रोमस फिशेज, ठीक है। और जो इसके अपोजिट होती हैं, जो कि ब्रीडिंग के लिए फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाएं, उन्हें हम कहते हैं कैटाड्रामस फिशेज। ये अक्सर आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेस्ट के अंदर, तो ये आपको आना चाहिए। अब बच्चे ये जो हमारे पास वो फिशेज जो फ्रेश वाटर में रह रही हैं और मैरीन वाली जो कि ब्रीडिंग के लिए आ रही हैं, तो वो क्या है, ये आपस में जाहिर सी बात है एक ही उससे बिलोंग कर रही हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव हैं। तो बच्चे ये क्या करती हैं, जो फ्रेश वाटर वाली स्पीशीज़ हैं, ये देखती हैं कि जब हमारे रिलेटिव फिशेज ने आना है, तो ये उनके लिए जो ब्रीडिंग हैबिटेट है वो प्रिपेयर करती हैं। जैसे हम अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखते हैं, इसका मतलब ये भी अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखती हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे इनकी जो बोनी प्लेट, इनकी जो बॉडी है वो इंटीरियर साइड से बोनी प्लेट से कवर होती है, यानी कि उस पर क्या है, बोन्स आपको नज़र आएंगी। उसके अलावा बच्चे इनकी जो टेल है उसमें क्या है, हैवी स्केल्स मौजूद हैं, हैवी स्केल से कवर्ड है। इनका माउथ जो है वो छोटा है और इनके जॉज जो है वो वीक है, ठीक है। और ये बच्चे इनके माउथ छोटा और जॉज वीक होने की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि ये स्मॉल जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके ऊपर ये फीड करती हैं, ठीक है। अब बच्चे इनकी जो इम्पोर्टेंस है, स्टर्जन की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, वो किस वजह से है, केवियर की वजह से। केवियर होता है अंडों का अचार डालना। इनके जो अंडे हैं उन्हें हम रोई भी कहते हैं, ROE, रोई, ठीक है। तो ये वर्ड आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, इसे आप लिख सकते हैं, इन्हें हम रोई भी कहते हैं बच्चे। इसकी स्टर्जन की ना बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब के हम कल्टीवेट करते हैं सिर्फ इसके केवियर की वजह से। ये केवियर क्या होते हैं बच्चे, ये अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं स्टर्जन के, वो एग जो फर्टिलाइज नहीं हुए, ठीक है।
और इन एग्स को बच्चे क्या किया जाता है, इनका अचार डाला जाता है, ये बहुत टेस्टी होते हैं, इनका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, ठीक है। और इसका बच्चे इसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा की गई, इसकी इस वजह से क्या हुआ कि दरमियान में इसकी पॉपुलेशन भी लो हो गई, ठीक है, डाउन चली गई। और इसके जो केवियर हैं वो इस फिश को हैंड में पकड़ के इनकी बॉडी को स्क्वीज़ करके वो जो है वो क्या है इनके अंडे जो हैं वो निकाले जाते हैं, बड़े प्यारे से होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं पैडल फिश की तरफ। पैडल फिश जो है बच्चे ये आपको वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना में मिलती है। ये इसका अगर हम हैबिटेट देखें तो ये हमारे पास लेक्स और लार्ज रिवर्स के अंदर हमें मिलेगी। ये मिसिसिपी रिवर के बेसन ऑफ मिसिसिपी रिवर में ये हमें नज़र आती है, ठीक है बच्चे। ये लार्ज फिश है, हमारे पास फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ठीक है। और ये पैडल लाइक होती है, ठीक है। अब बच्चे इनका जो पैडल लाइक इनके पास क्या है, रूस्ट्रम है, ठीक है। पैडल लाइक रूस्ट्रम का क्या मतलब है बच्चे, इस फिश के आगे आपको माउथ से आगे जो है ना आपको स्नाउट मिलेगा ऐसे। ये जो स्नाउट है इसे हम नाम दे रहे हैं रूस्ट्रम का, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, पैडल लाइक, ठीक है। ये स्विम कैसे करती हैं बच्चे, ये अपने माउथ को ओपन रखती हैं, ठीक है, और पानी इनकी बॉडी में मुसलसल दाखिल होता रहता है बच्चे। इनकी स्नाउट जो है या रूस्ट्रम जो है वो कितनी बड़ी होती है, वो इतनी बड़ी होती है कि वो इनकी बॉडी का 1/3 होती है, ठीक है। और बच्चे इनकी इस स्नाउट के अंदर, इस रूस्ट्रम के अंदर काफ़ी सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और वो सेंसरी ऑर्गन जो है बच्चे वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये क्या करती हैं, ये फिल्टर करती हैं क्रस्टेशियन को और स्मॉल फिशेस को, और उसके ऊपर फीड करती हैं। इसका मतलब है ये क्या है, ये फिल्टर फीडर हैं हमारे पास। तो बच्चे यहाँ तक जो है, यानी कि हमने स्टर्जन को देखा, पैडल फिश को देखा, ये हमारे पास किस में फॉल कर रहे हैं, इंफ्रा क्लास कॉन्ड्रोस्टिशियन। नेक्स्ट हमने पढ़नी है इंफ्रा क्लास एक्टिनोप्टेरिजियंस, ठीक है। तो सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजियंस जो है इसको हम अब स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इंफ्रा क्लास एक्टिनोप्टेरिजियंस की तरफ। इंफ्रा क्लास एक्टिनोप्टेरिजियन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमें इसके मेंबर्स जो हैं ये फ्लोरिश हुए इन द जुरासिक पीरियड, ठीक है। जुरासिक पीरियड के अंदर हमें इसके बहुत ज़्यादा मेंबर्स नज़र आते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसके दो प्रिमिटिव जेनरा जो हैं वो क्या है, टेम्परेट वार्म फ्रेश वाटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चे, वो फर्स्ट वन है हमारे पास लिपी सोस्टियस, ठीक है, और सेकंड है हमारे पास एमिया। लिपी सोस्टियस की हम बात करें तो इसे हम ग्रेप लाइक कहते हैं। इसके क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी पे थिक स्केल होते हैं और इसके लॉन्ग जाज होते हैं। इन जाज को ये क्या करते हैं, फॉर द टू कैच द प्रीडेटर, सॉरी टू कैच द प्रे, यानी कि अदर फिश जिसके ऊपर इन्होंने फीड करना है उसको कैच करने के लिए ये क्या है कि इन जाज का यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, और इनकी बॉडी पे क्या है, थिक स्केल्स हैं। सेकेंड जो हमारे पास इसका जेनरा है बच्चे वो क्या है, एमिया। एमिया को अगर हम देखें, हम कहते हैं इसमें हमारे पास टिलियोस्ट या फिर मॉडर्न बॉनी फिशेज आती हैं बच्चे। आज जो हमारे पास फिशेज मौजूद हैं उसके मोस्टली मेंबर्स जो हैं वो इस जेनरा से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास मॉडर्न या फिर यूँ कह लेंगे सबसे ज़्यादा मेंबर्स वाला जेनरा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 20,000 स्पीशीज़ हैं बच्चे, यानी कि हमारे पास जो टोटल फिशीज़ हैं, टोटल स्पीशीज़ हैं फिशीज़ की, उनमें से 20,000 जो हैं वो इस जेनरा के अंदर पाई जा रही हैं, एमिया के अंदर, जिसे हम टिलियोस्ट या फिर मॉडर्न बॉनी फिशेज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इनका कॉमन नेम क्या है, डॉग फिश या फिर बो फिश। दिखने में डॉग फिश जो है वो हमें उसका माउथ डॉग की तरह का लगता है, बो फिश जो है वो थोड़ी साइज़ में छोटी होती है बच्चे। हमारे पास जो आज मोस्टली लिविंग मेंबर्स ऑफ फिशेज हैं वो इस जेनरा से बिलोंग करते हैं। इनकी क्या होता है, इनका सिमेट्रिकल कॉडल फिन होता है, मतलब कि होमोसर्कल टेल होती है इनकी, और इनके पास क्या होता है, स्विम ब्लेडर होता है बच्चे। इनका स्विम ब्लेडर जो है उसका कहा यह जाता है कि ड्यूरिंग एवोल्यूशन उनका उसका डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया है, लॉस्ट कर दिया उन्होंने बच्चे। ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, एमिया जो है, एमिया के मेंबर जो हैं ये डाइवर्ज हुए इन द लेट ट्रायसिक पीरियड।
डाइवर्ज का मतलब है एक ही इंसेस्टर से आगे बहुत ज़्यादा सारी स्पीशी बन जाना, जिसे हम आप लोगों को मैंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ाई है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेम इंसेस्टर है और आगे उससे बहुत सारी क्या है कि मेंबर्स जो हैं वो इवॉल्व हो गए हैं, न्यू जो है मेंबर्स हमारे पास न्यू स्पीशीज़ बना दी उन्होंने। बजे हमने डार्विन की फिंचेस देखी थी और हम कहते हैं कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्यों होती है, जब इंसेस्टर से जो आने वाली स्पीशीज़ हैं उनको क्या मिलता है, काफ़ी सारा हैबिट, काफ़ी सारे जो है मुख्तलिफ तरह के हैबिटेट मिलते हैं और उन हैबिटेट के अंदर उनको अपनी फूड मिल रही होती है। तो जो स्पीशी जिस हैबिटेट में रहना शुरू कर देती है वो उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व हो जाती है और वो एक नई स्पीशी बना देती है। पर अगर हम उनको बैक पे जाके चेक करें तो उनका जो इंसेस्टर होता है वो सेम होता है। तो इसी तरह से बच्चे इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुई इन द ट्रायसिक पीरियड। और अगर हम आज देखें तो हमें टीलियोस स्पीशीज ऑलमोस्ट एवरी अवेलेबल जो हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट है उसके अंदर हमें नज़र आएगी। जो भी हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट जिस भी तरह का है, मेरीन, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या मिलेंगी, टीलियोस स्पीशीज मिलेंगी। तो बच्चे ये था आज का आपका टॉपिक जिसमें हमने क्या कर लिया है, गनेथोस्टोमेटा को कि जितनी भी यानी कि हमारे पास यूँ कह लें कि फिशीज़ की डाइवर्सिटी थी उसकी जो क्लासिफिकेशन थी उसको हमने स्टडी कर लिया है। आज हमारा यहाँ तक जो क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम इसके फिशेस के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, उनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।